हेलो हेलो क्लास इलेवेंथ स्टूडेंट्स, हेलो क्लास टेंथ स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू ए क्लास इलेवेंथ। तो ये मैं बहुत बड़ा डिसीजन लिया हूँ क्या कि आपको क्लास इलेवेंथ का सिलेबस आपको यहाँ पे मैं ओपनली और मीन्स फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, और फुल ऑफ कॉन्सेप्ट और फुल ऑफ मीन्स बोल सकते हो क्या मीन्स ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन सा, और सारे 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 के सारे हम लोग कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर करेंगे। ऐसा नहीं कि मतलब सिर्फ आधा मैं पढ़ाया और आधा मैं बोला कि अच्छा पढ़ लेना अपने से, ये वाला नहीं होगा। यहाँ पे हर एक चीज को मैं पार्टिकुलर बहुत सही तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। तो आप जो 10th से 11th में गए हैं उनको सबसे बड़ी बड़ी ज्यादा सबसे बड़ा परेशानी ये है कि बिकॉज जब इंसान तालाब में तैरता है तो कुछ नहीं, समुन्द्र में तैरेगा तो बहुत ही ज्यादा उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और समुंदर में जानते ही हो उसकी लहर कितनी ज्यादा होती है। तो ऐसे ही क्लास इलेवेंथ में भी है, बिकॉज क्लास इलेवेंथ वाले क्विट कर जाते हैं इसलिए क्योंकि उनको हो सकता है कि अच्छा टीचर नहीं मिले, हो सकता है उनका कॉन्सेप्ट ज्यादा मजबूत ना हो सकता है क्लास 10th और क्लास 9th में अच्छे से पढ़े ना हो। तो क्या होता है कि ओवर प्रेशर होने की वजह से वह क्विट कर जाते हैं। तो मैं यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे हर एक चीज करने वाला हूँ, तो आप बेहतरीन तरीके से पढ़ो। और क्लास जो क्लास 10th से क्लास 11th में क्या है, तो मैं तो बोलने वाला हूँ क्या अपने अंदर पेशेंस रखना, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, सिर्फ कॉन्फिडेंस रखो। ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा आपको नीचे गिराएगा, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और साथ ही साथ में हार्ड वर्क की और पेशेंस के साथ और कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके पास अगर कंसिस्टेंसी नहीं तो कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। नहीं कि 1 घंटा मतलब एक दिन उठे और 10 घंटा पढ़े, अच्छा 10 घंटा पढ़ाऊ मैं, नहीं। अगर तुम एक दिन में अगर 5 ही घंटा पढ़ लो या 4 घंटा अगर रेगुलर वाइज तुम पढ़ लो, मीन्स रेगुलर प्रैक्टिस में, अगर तुम रेगुलर प्रैक्टिस में हो तो कोई मायका लाल नहीं है कि आपको कोई सा भी एग्जाम निकालने से रोक सके। तो क्लास इलेवेंथ आप लोग तैयार हो जाओ, तो मैं आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ क्या यूनिट और मेजरमेंट। उसके बाद हम लोग वन बाई वन चैप्टर फिनिश करते रहेंगे और देखते हैं क्या कितना टाइम लगेगा। आप लोग का जैसा रेस्पॉन्स होगा उसी तरीके से मैं यहाँ पे चलूंगा। तो यहाँ पे देखो यूनिट और मेजरमेंट मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। ये क्या, ये तो शुरू में ही ज्यादा इंक हो गया। ठीक 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 ओके, यूनिट एंड मेजरमेंट, यूनिट एंड मेजरमेंट, दिस इज द चैप्टर 2। अब बोलोगे चैप्टर 1 कहाँ है सर? चैप्टर 1 यार अपने से पढ़ने वाली चीज है, और ये है हमारे पास क्लास इलेवेंथ का। तो यूनिट और मेजरमेंट आपको अगर पढ़ना है, यूनिट एंड मेजरमेंट, यूनिट और मेजरमेंट में जो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा बिकॉज टू द पॉइंट मैं बात करने वाला हूँ। तो यूनिट और मेजरमेंट में फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूंगा यहाँ पे मीन्स फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या है, क्या फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या है मीन्स अब लोगों के फिजिकल क्वांटिटीज। तो पहले हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं फिजिकल क्वांटिटीज की, उसके बाद मैं उसको पूरा फुल तरीके से मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। फिजिकल क्वांटिटीज, The quantities, the quantities which are measured by an instrument and देखो फिजिकल क्वांटिटीज है होते क्या है। देखो फिजिकल क्वांटिटीज एक ऐसी क्वांटिटीज है जो जो कि उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं कोई भी इंस्ट्रूमेंट से, कोई भी इंस्ट्रूमेंट से हम लोग किसी भी चीज को ये फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर मेजर कर सकते हैं। और ये लॉ ऑफ फिजिकल वर्ल्ड का मतलब है क्या मीन्स जितना भी फिजिक्स के लॉज हैं उसमें ये क्या होने वाला है, हेल्प करेगा उसको एक्सप्लेन करने में। जैसे मैं बोलूंगा ये क्वांटिटीज कैसी दिखती होंगी, ये क्वांटिटीज ये इंस्ट्रूमेंट कैसा दिखता होगा। देखो यहाँ पे ये हमारे पास
यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट है वो हो सकता है आपका स्कूल का स्केल हो, आपके स्कूल का स्केल हो सकता है ये स्केल हो सकता है आगे तुम पढ़ोगे जब क्लास इलेवेंथ में आ ही गए हो तो पढ़ने वाले हो क्या वर्नियर कैलिपर पढ़ने वाले हो यहाँ पे, और आपके पास है स्क्रू गेज ये सब चीज से मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे मेजर करूंगा। और ये हमारे पास क्वांटिटीज ये दिखती कैसी हैं, ये क्वांटिटीज आपने बहुत देखा है, ये क्वांटिटीज जो फिजिकल क्वांटिटीज है आपने बहुत ही ज्यादा देखा है। बोलोगे ये कहाँ से ये कैसे, तो ये क्वांटिटीज कुछ है नहीं ज्यादा एक्स्ट्रा, दिस क्वांटिटीज इज ए मास हो सकता है, दिस क्वांटिटीज इज ए वेलोसिटी, ये क्वांटिटीज वेलोसिटी हो सकता है, ये क्वांटिटीज हमारे पास एक्सेलरेशन हो सकता है, ये क्वांटिटीज हमारे पास बहुत ध्यान से समझियो, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है हमारे पास। मे बी ये जितनी भी चीज तुम्हें अभी तक मैं पढ़ाया मिस क्लास टेंथ में और क्लास टेंथ वालों जितने भी है, तो इसका मतलब मास हो गया, टेम्परेचर हो गया हमारे पास, टेम्परेचर ये सारे के सारे क्या हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज हो गया, मीन्स मोल ये हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने का जो ऐसा यूनिट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे मोल। और भी बहुत सारे यहाँ पे जैसे स्ट्रेस हो गया, जैसे हमारे पास स्ट्रेन हो गया, और यहाँ पे अगर हम लोग क्लास टेंथ की बात करें तो करेंट हो गया हमारे पास, करेंट हो गया यहाँ पे। अगर मैं बात करूं और क्या है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जब मैं कराऊंगा एग्जाम्पल तो आप देखना इस तरीके से। तो ये क्वांटिटीज का मतलब हो गया मास, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, टेम्परेचर, मोल, स्ट्रेस, स्ट्रेन, करेंट और ऑल ऑफ दिस। ये क्या होगा, इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं कोई भी इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं। बोलोगे यार ये इंस्ट्रूमेंट स्केल वर्नियर कर, बोलोगे ये करेंट कैसे मेजर होगा, करेंट को मेजर करने के लिए एमीटर है। बोलोगे वोल्टेज को कैसे मेजर करेंगे, वोल्ट मीटर हमारे पास हर एक चीज को मेजर करने के लिए कुछ। टेम्परेचर को कैसे मेजर करोगे, टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं हम लोग थर्मामीटर से। डिस्प्लेसमेंट इसके कैसे मेजर कर सकते हो, वेलोसिटी स्पीडोमीटर से हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास हर एक फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है, उस इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से हम लोग मेजर करने वाले हैं क्या ये क्वांटिटीज। और ये लॉ ऑफ फिजिकल वर्ल्ड है क्या, दिस लॉ ऑफ फिजिकल वर्ल्ड मीन्स लॉ ऑफ फिजिक्स को डिफाइन करने के लिए ये फिजिकल क्वांटिटीज को लाया गया। समझ में आ रहा है, ये फिजिकल क्वांटिटीज को लाया क्यों गया, ये फिजिकल क्वांटिटीज को लाया गया बिकॉज लॉ ऑफ फिजिकल वर्ल्ड को डिफाइन करने के लिए, मीन्स टू डिफाइन लॉ ऑफ फिजिक्स का मतलब हो गया लॉ ऑफ इक्वेशन मीन्स लॉ ऑफ हमारे पास मोशन हो गया, हमारे पास लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हो गया, कूलम्स लॉ हो गया, ये सब पूरे को सबको एक्सप्लेन करने के लिए मुझे एक फिजिकल क्वांटिटीज की जरूरत थी। ये बताओ क्या अगर मास नहीं होता तो क्या आप क्या लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बता सकते थे क्या, क्या आपके पास अगर चार्ज, अगर आपके पास करंट नहीं होता तो क्या आप बता सकते हो क्या कि लॉ ऑफ कूलम क्या होने वाला है, क्या आपके पास डिस्प्लेसमेंट नहीं होता तो क्या आप बता सकते हो क्या s = ut + ½at² कैसे यूज करते। अगर सपोज करो आपके पास वेलोसिटी एक फिजिकल क्वांटिटीज नहीं होती तो क्या इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज कर सकते थे क्या, नहीं। इसका मतलब क्या आपके पास अगर एक्सेलरेशन नहीं होता तो क्या आप इक्वेशन ऑफ मोशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप पता कर पाते क्या। इसको मिस फिजिक्स का लॉज को डिफाइन करने के लिए मुझे क्वांटिटीज को लाया गया, उस क्वांटिटीज को हम लोग क्या बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज, उस क्वांटिटीज को हम लोग क्या बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। ये समझ में आया, आई थिंक ये चीज आपको समझ में आ चुका होगा। फिजिकल क्वांटिटीज इसको रफ करता हूं मैं, आगे चले फिजिकल क्वांटिटीज का मैं मतलब तो स्टार्ट करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में और थोड़ा समझते हैं फिजिकल क्वांटिटीज को। देखो फिजिकल क्वांटिटीज को लिखने का तरीका पी क्यू हम लोग लिखते हैं क्या, फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे पी क्यू, और पी क्यू को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं फिजिकल क्वांटिटीज इज
को लिखते हैं हम लोग n into u, क्या बोलते हैं हम लोग n into u। अब n क्या है, u क्या है, आप पढ़ चुके हो, 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 5 केजी, 10 केजी, 20 केजी, और हमारे पास 10 ग्राम, 20 ग्राम, कुछ पढ़े हो क्या ऐसा? हाँ, कुछ तो तुमने पढ़ा है। इसका मतलब ये n जो है वो क्या रिप्रेजेंट करने वाला है, न्यूमेरिकल वैल्यू, ये बताने वाला है क्या, न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, जो भी चीज पढ़ते हो क्या, जो भी चीज न्यूमेरिकल मीन्स एक नंबर टाइप हो, उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, न्यूमेरिकल। और ये U है हमारे पास, जो U होगा वह होने वाला है यूनिट। यूनिट क्या मतलब, यूनिट भाई साहब, यूनिट यूनिट है क्या, यूनिट हमारे पास हो सकता है ये मीटर में हो सकता है यूनिट सेंटीमीटर में हो, यूनिट हो सकता है केजी में हो, यूनिट हो सकता है हमारे पास ग्राम में हो, और तुम्हारे पास जितना भी यूनिट आपको मालूम होगा सब लिख दो, ये क्या होने वाला है, यूनिट। इसका मतलब मैं बोला न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब हो गया, ये न्यूमेरिकल वैल्यू आपको बताएगा कितना टाइम्स ज्यादा है इस यूनिट से। तो मैं यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब हो गया हाउ मेनी टाइम्स ऑफ गिवन यूनिट, एक गिवन यूनिट की कितना ज्यादा टाइम्स हम लोग यूज करने वाले हैं। अब बोलोगे यार ये जो यूनिट है हमारे पास, जो यूनिट है ये लाया क्यों गया, थोड़ा सा कहानी सुनेंगे, थोड़ा कहानी सुनो। सपोज करो मैं बोला कि हमारे पास अगर मीटर नहीं होता तो क्या होता है, मैं कपड़ा लेने गया मान लो दुकान पर, बोला मान लो पास दुकानदार है और मैं बोला कि चलो कपड़ा लेने चलते हैं। जब ऐसा यूनिट नहीं आया था तब ऐसा कुछ सिस्टम हुआ करता था, मैं बोला चलो तो पहले दुकान पे गया तो मैं बोला हमारे पास 5 दुकान है, एक दुकान ये, दूसरा दुकान ये, तीसरा शॉप, चौथा शॉप और ये पांचवा शॉप। तो मैं बोला पहले के पास गया, मैं बोला कि भाई साहब मुझे एक कपड़ा दे दो, बोलेगा कितना, तो बोला मैं बोला 1 मीटर। मैं बोला कि नया कुछ यूनिट में थोड़ा सा डिस्कवर्ड करने वाला हूं, तो मैं बोला कि 1 मीटर तो दिए, मैं बोला 1 मीटर, तो बोला कि ठीक है 1 मीटर, इतना लंबा हाथ करके उसको काटा और दे दिया 1 मीटर। सेकंड वाले दुकान पे गया, बोला इतना दिया, इतना मीटर, तो बोला अरे भाई अभी तो इस दुकान पे 1 मीटर तो इतना लंबा दिया मेरे को, आप तो इतना छोटा दे रहे हो। इसका अंदर बोलेगा यहाँ पे कौन सा यूनिट, यहाँ पे तो मैं अपने हिसाब से चलता हूँ। ये वाला दुकान बोलेगा कि मैं इतना, ये तुम्हारे पास मान लो ये पेन के लेंथ का हमारे पास 1 मीटर होगा, मैं बोला कोई दुकानदार बोला कि ये दो पेन को मिलाकर मैं 1 मीटर मानता हूँ। इसका मतलब बोला यार कि यार हर एक दुकानदार अपना खुद का यूनिट बना लिया, और उस यूनिट को हम लोग मेंस क्या होगा कि बोल सकते हो अनस्टैंडर्ड तरीके से है, उसको स्टैंडर्ड करने के लिए हमें एक चीज लाया गया कि कोई भी चीज अगर बोले 1 मीटर तो वो फिक्स्ड होनी चाहिए ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैं बोला 1 फीट, 1 फीट कितना होने वाला है, 1 इंच कितना होने वाला है, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये फिक्स्ड होने वाला है कि 1 इंच = 2.54 सेंटीमीटर है। तो मैं बोला कि 1 फीट में 12 इंच होता है, तो यहाँ पे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर कितना लंबा होगा, तो वो फिक्स्ड कर दिया गया उसी हिसाब से, ये पूरा चीज मीन्स रेगुलेट किया जाता है और ये पूरा कॉन्फ्रेंस इस तरीके से चलता है। इस तरीके से हमारे पास यूनिट का कुछ सिस्टम बना और यूनिट को हम लोग डिफाइन करने के लिए थोड़ा सा हम लोग सक्षम रहे, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे एग्जांपल देखो मैं बोला कि मैं 2 घंटे के लिए पढ़ा, मीन्स टू आवर्स मैं 2 घंटे के लिए पढ़ा, तो बोलोगे 2 घंटा क्या, अगर मैं बोला कि टू तो बोलोगे क्या, टू क्या भाई साहब, टू क्या, तो बोलोगे आवर्स, मतलब तुमने 2 घंटा पढ़ा, मीन्स आवर्स क्या हो गया यहाँ पे जो आवर्स है वह कैसा काम करने वाला है, दिस एक्ट एज ए यूनिट, ये यूनिट का काम करने वाला है। और टू क्या बताने वाला है, हाउ मेनी टाइम्स ऑफ यूनिट, इसका मतलब 2 टाइम्स ऑफ आवर, इसका मतलब ये क्या बताने वाला है, ये आपको एन बताने वाला है, मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू बताने वाला है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू बताने वाला है। अब बोलोगे यार ये कैसे, मैं बोला कि ठीक है, मैं बोला कि सपोज करो मुझे नहीं पता, जब ये नहीं आया था तो मुझे नहीं पता, मैं बोला कि एक वेट है हमारे पास एलिफेंट का, एक हमारे पास एलिफेंट है, एक हमारे पास गोट है, मतलब बकरी, ठीक है। मैं बोला कि ये कितना टाइम ज्यादा हो गया, ये बता, एलिफेंट ज्यादा भारी होने वाला है कि गोट, जाहिर सी बात है एलिफेंट।
तो मैं बोला एलिफेंट इज सपोज करो 100 टाइम्स द वेट ऑफ गुड। इसका मतलब ये एलिफेंट, मैंने एक नया यूनिट बनाया, वो किसके कंपैरिजन में? गुड के कंपैरिजन में। मैं बोला गुड का अगर वेट 1 है तो इसका कितना हो जाएगा 100। मीन्स अगर गुड का एक न्यूटन अगर फोर्स है, इस पर कितना लगने वाला है 100। इसका मतलब ये कैसा एक्ट करने वाला है? दिस एक्ट एज ए और ये कैसा एक्ट करेगा? यूनिट के तरीके से एक्ट करने वाला है। और 100 कैसा एक्ट करने वाला है? एन के तरीके से एक्ट करेगा। ऐसा ही अगर बोला कि हमारे पास और एग्जांपल देखो, एक मीटर, ये मीटर कैसा एक्ट करने वाला है? यूनिट। वन कैसा एक्ट करेगा? न्यूमेरिकल वैल्यू। मैं बोला कि यहाँ पे हमारे पास है 100 मीटर, ये मीटर कैसा होगा? दिस मीटर इज एक्ट एज ए यूनिट, ये हमारे पास यूनिट का जैसा एक्ट करेगा और ये हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू जैसा एक्ट करने वाला है एन। ये चीज क्लियर हुआ? तो यहां से याद करना, फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग कैसे लिखते हैं? एन इंटू यू के फॉर्म में हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज को लिखते हैं। एन इंटू यू को फिजिकल क्वांटिटीज में हम लोग लिखते हैं। क्लियर हुआ? तो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे क्या, कितने टाइप्स की फिजिकल क्वांटिटीज होती होंगी, कितने टाइप्स की फिजिकल क्वांटिटीज होता होगा। तो मैं बोला कि देखो यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज तीन टाइप के होने वाले हैं। तीन टाइप के फिजिकल क्वांटिटीज हैं। पहला जो होगा फिजिकल क्वांटिटीज, वो होने वाला है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, समटाइम्स वी कॉल्ड एज बेस क्वांटिटीज। सेकंड वन इज डिराइव्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज। और तीसरा है हमारे पास, उसको हम लोग बोलेंगे सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज देखो, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज पहला है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। सेकेंड है हमारे पास डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। अगर अपने से पढ़ते हो तो बहुत दिक्कत होती होगी, अरे यार ये कैसे डिराइव्ड हुआ, ये कैसे फंडामेंटल हुआ। आप तो सही बता रहा हूँ, बस इस लेक्चर को देखते रहो और आप पाओगे लास्ट में कंक्लूजन कि यार हाँ कुछ समझ में आया, कुछ मजा आने वाला है। तो धीरे धीरे, अब तुम सोचोगे कि एक ही दिन में पूरा भरपूर मिल जाए, ऐसा तो नहीं होगा ना, सिक्वेंस वाइज हम लोग चलेंगे। ठीक, तीसरा है हमारे पास सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। क्या होने वाला है? तीन टाइप्स के फिजिकल क्वांटिटीज है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज और तीसरा है हमारे पास सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। यहाँ पे देखो, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे क्या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की। हम लोग यहाँ पे बात करेंगे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की। और बहुत ध्यान से समझियो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। फंडामेंटल फिजिकल, देखो क्या होता है ना, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग बेस क्वांटिटीज भी बोलते हैं। ये ऐसी क्वांटिटीज है जो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करती है, वह किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं करती है। मैं बोला कि ये बताओ, जो मास है हमारे पास, मास, ये मतलब मास किसी के ऊपर डिपेंड करता है क्या? मास किसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है क्या? मैं बोला 5 kg मास, क्या 5 kg मास किसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है क्या? किसी के ऊपर डिपेंडेंसी है क्या? नहीं। ये बताओ लेंथ, मैं बोला कि इतना 5 meter लेंथ, क्या किसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है क्या? नहीं। मैं बोला टाइम, ये बताओ 5 सेकेंड, 4 सेकेंड, 1 घंटा, 2 घंटा, तो क्या बताओ ये किसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है क्या? नहीं, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। इसका मतलब मैं बोला कि वेलोसिटी, अब मैं बोला वेलोसिटी हमारे पास 5 meter per second, ये बताओ वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट और टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। मैं बोला एक्सीलरेशन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? वेलोसिटी और टाइम के ऊपर। वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? मीन्स वेलोसिटी के अंदर क्या था, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के अंदर डिपेंड कर रहा है कि नहीं। मैं बोला कि सपोज करो फोर्स किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? मास और एक्सीलरेशन, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। क्या मास को और फर्दर रिलेट कर सकते हो क्या? मास को फर्दर रिराइट नहीं लिख सकते। इसका मतलब ऐसी क्वांटिटीज जो कोई भी दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं होती है, उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ऐसी क्वांटिटीज को हम लोग क्या बोलने वाले हैं? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज बोलने वाले हैं। तो यहां पे देखो इसका डेफिनेशन,
the quantities do not depend on any other physical quantities. याद है ना physical quantities क्या बताया था, velocity, time, acceleration, stress, strain, force, work, power, जो भी चीज तुम्हारे पास, kinetic energy, सब क्या physical quantities है हमारे पास. The quantities which do not depend on any other physical quantities, कोई भी दूसरे physical quantities पे depend नहीं करता हो, physical quantities उसको मैं क्या बोलने वाला हूँ, उसको मैं बोलूंगा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज. और फिजिक्स के लॉज को डिफाइंड करने के लिए हमारे पास सात फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं. बोलोगे ये सात कौन कौन सा है भाई साहब, मैं सातों का नाम ले रहा हूँ, यहाँ पे सातों का नाम लिख रहा हूँ, उसका ऐसा यूनिट लिखूंगा और उसका सिंबल लिखने वाला हूँ. और ये सब चीज आप पढ़ चुके हो, आप पढ़ चुके हो, बस आपको सिक्वेंस वाइज पढ़ना है किस तरीके से है. तो यहाँ पे हमारे पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज है हमारे पास. यहां पे लिखने वाला हूं क्या, एसआई यूनिट, और यहां पे क्या होने वाला है, सिंबल यूज करने वाले हैं. देखो पहला जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है वह तो होगा हमारे पास मास. पहला जो फिजिकल क्वांटिटीज उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, मास. मास को हम लोग किस में लिखते हैं, मास का एसआई यूनिट क्या होगा, मास का एसआई यूनिट होता है हमारे पास केजी. मास का ऐसा यूनिट क्या होने वाला है, केजी. सिंबल भी क्या होने वाला है हमारे पास, केजी होने वाला है. क्या बोलते हैं उसको, मास का जो ऐसा यूनिट होगा वह क्या होगा, केजी. सिंबल हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, केजी से रिप्रेजेंट करेंगे. लेंथ ये हमारे पास दूसरा होगा, लेंथ किसी दूसरे भी चीज पे कोई डिपेंड नहीं करता. ऐसा यूनिट क्या होता है हमारे पास, ऐसा यूनिट ये होगा हमारे पास मीटर, ऐसा यूनिट है हमारे पास मीटर. और ये सिंबल यहाँ पे छोड़ो, सिंबल आपको मालूम ही होगा, ऐसा यूनिट क्या होने वाला है हमारे पास, मीटर होने वाला है. और यहाँ पे सपोज करो सिंबल भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है. ये हमारे पास सिंबल, दिस इज किलोग्राम लिख लो यहाँ पे पूरा, बिकॉज किलो ग्राम. और सिंबल हमारे पास केजी, मीटर को हम किसमें लिखते हैं यहाँ पे. तीसरा है हमारे पास टाइम. टाइम को किसमें लिखते हैं, टाइम को हम लोग लिखने वाले हैं यहाँ पे सेकंड में, और सेकंड को रिप्रेजेंट करते हैं क्या, स्मॉल एस से. चौथा जो फिजिकल क्वांटिटीज है वह हमारे पास होने वाला है टेम्परेचर. क्या बोलते हैं हम लोग, टेम्परेचर बोलते हैं, मतलब जिससे हम लोग आजकल दौर देख ही रहे, कोरोना पैंडमिक है, टेम्परेचर की बहुत ज्यादा जरूरत है. तो यहाँ पे टेम्परेचर है, टेम्परेचर को हम लोग लिखते हैं यहाँ पे केल्विन, ऐसा यूनिट क्या होता है केल्विन. और इसका जो सिंबल है वो क्या होता है, के से. और समटाइम्स कुछ बुक में थीटा भी लिखा होता है, क्या समटाइम्स कुछ बुक में थीटा भी लिखा होता है, उससे आप कंफ्यूज मत होना. पांचवा जो है हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, क्या होने वाला है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. देखो सिक्वेंस में इधर उधर हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं. सात फिजिकल क्वांटिटीज का आपको नाम पता होना चाहिए. तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे, मोल. क्या लिखते हैं हम लोग, मोल. मोल में इसका एसआई यूनिट है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं क्या, एमओएल, मोल. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मैं बोलता हूँ ना, मोल इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, आपको याद होगा केमिस्ट्री के अंदर. तो मोल ये है हमारे पास. फिफ्थ है हमारे पास सिक्स, देखो सिक्स क्या है, सिक्स होगा हमारे पास यहाँ पे करेंट. और करेंट को लिखते हैं यहाँ पे एम्पेयर, करेंट को हम लोग लिखते हैं एम्पेयर. और उसका सिंबल क्या है हमारे पास, ए. जो सौ छठवा और सतवा जो क्वांटिटीज है उसको बोलते हैं हम लोग मेंस, उसको बोलते हैं हम लोग अमाउंट ऑफ मेंस, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इंटेंसिटी. हम लोग बोलते हैं क्या, अमाउंट ऑफ ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को इसमें मोल में लिखते हैं, करेंट को एम्पेयर में लिखते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इंटेंसिटी. इंटेंसिटी को हम लोग लेते हैं क्या, कैंडेला में. क्या बोलते हैं हम लोग, कैंडेला. और इसको हम लोग लिखते हैं क्या, सी से, स्मॉल सी से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं. क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट बोलते हैं. और या बोल सकते हो यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी लिख लो, यहाँ पे सबसे अच्छा रहेगा. इंटेंसिटी ऑफ लाइट को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, कैंडेला. और इसको लिखते हैं सी. इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मतलब हो गया एक तरीके का अमाउंट ऑफ एनर्जी, मीन्स फोटोन्स भी कितना है वो हमारे पास फॉर्म बताने वाला है, ये इंटेंसिटी. इसको बोलते हैं कैंडेला सी. हमारे पास सात फिजिकल क्वांटिटीज है, सातों याद होना चाहिए. और 90% केस के अंदर
ये तो भाई साहब भूल ही जाओ कि ये यूज होने वाला है, कभी यूज नहीं होता। और ये 90% केस के अंदर, 90% केस के अंदर ये यूज होने वाला है, मास, लेंथ और टाइम और टेम्परेचर। और ये 5% केस के अंदर ये वाला आने वाला है। तो हमारे पास 7 तरीके की फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है। पहला क्या होगा, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, करंट और मींस इंटेंसिटी ऑफ लाइट, उसको हम क्या बोलने वाले, कैंडेला। मास का सिंबल केजी, लेंथ को मीटर में, टाइम को एस में और टेम्परेचर को केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल, करंट को एम्पियर और इंटेंसिटी ऑफ लाइट को हम लोग किसमें लिखते हैं, यहाँ पे कैंडेला में लिखते हैं। ये चीज क्लियर हुआ? अगर ये चीज क्लियर हुआ तो हम लोग चलते हैं क्या, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। और ये सारे के सारे फिजिकल क्वांटिटीज किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। जैसे हम लोग अपने माँ बाप के ऊपर डिपेंड है, माँ बाप के ऊपर डिपेंड है, माँ बाप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं, तो इसका मतलब माँ बाप कैसे क्वांटिटीज हुए, फिजिकल क्वांटिटीज। हम लोग क्या है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, बिकॉज हम लोग माँ बाप के, माँ बाप से आए हुए हैं, तो इसीलिए हम लोग क्या है, हम लोग डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है। माँ बाप क्या है हमारे पास, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। मीन्स बस सिस्टम मानना हो, माँ बाप और मैं, ऐसा मत करना किसी और चीज से रिलेट करने लगे कि मतलब उनके भी माँ बाप होंगे, उनके भी माँ बाप नहीं, तो मैं अपने और अपने जनरेशन की बात कर रहा हूँ। तो इसका मतलब जैसे तुम्हारे माँ बाप है, तुम्हारे माँ बाप क्या तुमसे कोई चीज परमिशन लेके करते हैं क्या, नहीं। इसका मतलब तुम्हारे माँ बाप इंडिपेंडेंट है, तुम्हारे बाप इंडिपेंडेंट है, मीन्स कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं होता। इसका मतलब क्या होगा, और वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कहलाएंगे। और हम जैसे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और ये सब सारी चीजें क्या होने वाली है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो यहाँ पे सिर्फ 7 ही फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होने वाली है। तीसरा है, दूसरा है हमारे पास डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज। द क्वांटिटीज which is derived from fundamental quantities, fundamental physical quantities, उसी quantities को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, derived physical quantities। अब बोलोगे derived physical quantities क्या क्या है, पहला example देखो, पहला क्या हमारे पास, area, area को मैं क्या कैसे लिख सकता हूँ, area को मैं लिखने वाला हूँ किसमें, meter square में। ये बताओ meter square, meter fundamental quantities है कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज होने वाला है, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है। कैसे ये होगा है हमारे पास, देखो लेंथ का क्या होने वाला, होल स्क्वायर होने वाला है कि नहीं, ये बताओ। लेंथ को दो मरतबा मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होने वाला है, ये होगा हमारे पास लेंथ इंटू लेंथ। इसको मैं क्या बोलने वाला हूं, देखो ये कैसी क्वांटिटीज है, बस लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई करके तुम्हारे पास एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज बना रहे हो, उसका नाम क्या है हमारे पास, एरिया। एरिया क्या होगा, एल इंटू एल, दैट इज लेंथ स्क्वायर। लेंथ स्क्वायर को हम लोग किसमें लिखते हैं, यहाँ पे लेंथ स्क्वायर पे लिखते हैं हम लोग मीटर स्क्वायर में। क्लियर हुआ? देखो लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटीज, लेंथ इज ए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज एंड ऑल्सो लेंथ इज ए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। मीन्स ऐसा मत सोचना क्या यार, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज एक ही मतलब यूज करेंगे, जरूरी नहीं है। आप कितनी मतलब यूज करो, वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से बनी होनी चाहिए। अब बोलोगे दूसरा एग्जांपल है हमारे पास, एग्जांपल देखो, मिस इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज होने वाला है, आप मान सकते हो बहुत ही ज्यादा होगा। वॉल्यूम की बात करोगे, वॉल्यूम को हम लोग क्या लिखने वाले हैं, मीटर क्यूब, और मीटर क्यूब को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लेंथ का होल क्यूब का मतलब हो गया, लेंथ को मैंने तीन मरतबा अगर मैं थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाने वाला है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। अब बोलोगे एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, व्हाट अबाउट वेलोसिटी। देखो ना यहाँ पे, ऐसा आप यहाँ पे देखो, वेलोसिटी होता क्या है, वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है हमारे पास, वेलोसिटी क्या है ना, यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी होता क्या है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है कि नहीं,
वेलोसिटी इज इक्वल टू होगा हमारे पास डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, बिकॉज आप इलेवेंथ में हो। आपको मैं बेस बोल रहा हूँ कंप्लीट, मैं पूरा बेस तरीके से मैं बोल रहा हूँ ना, पूरा कॉन्सेप्ट वाइज मैं क्लियर कराने वाला हूँ। तो ये होगा हमारे पास वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट को किसमें लिखेंगे मीटर, और टाइम को किसमें रखेंगे सेकेंड। ये बताओ मीटर फंडामेंटल क्वांटिटीज, सेकेंड फंडामेंटल क्वांटिटीज, याद आया कुछ? एम मास लेंथ टाइम, ये हुआ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन को क्या लिखने वाला हूं यहाँ पे, वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी को हम लोग क्या लिखते हैं मीटर पर सेकेंड, और ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब देखो मीटर कैसी यूनिट है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। सेकेंड कैसी यूनिट है हमारे पास, दिस इज ऑल्सो ए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। अगर मैं और बात करूं, अगर मैं और बात करूं तो ये समझो कि ये बताओ फोर्स कैसी क्वांटिटीज होगी, डिराइव्ड या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। मास को हम लोग लिखते हैं केजी, और एक्सेलरेशन को किसमें लिखते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बताओ केजी किसकी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है कि कुछ और है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। मीटर कौन सी क्वांटिटीज है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। सेकेंड स्क्वायर कैसी क्वांटिटीज है हमारे पास, सेकेंड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। और इसी सारे को तो मिलकर हम लोग एक न्यूटन बोलते हैं, इसी को तो हम लोग न्यूटन बाबा बोलते हैं, मीन्स कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। क्लियर हुआ, ये हुआ फोर्स। तीसरा हमारे पास मान लो ये है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, सबकी एनर्जी हमारे पास जूल होने वाली है। ये सारी के सारी क्वांटिटीज हमारे पास क्या है, दिस इज ए डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। वॉल्यूम से लेके एरिया से लेके आपके दिमाग में जितना भी चीज है वह सब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से बनी हुई है। जैसे घर का दीवार, एक घर का दीवार ब्रिक्स से बना हुआ है, तो सारी की सारी जितना भी दीवार सोचोगे वह क्या हुआ, ब्रिक्स से ही बना हुआ है। तो इसका मतलब मैं क्या बोलने वाला हूँ, दिस इज ए डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। और कैसे डिराइव करते हैं, इस तरीके से हम लोग डिराइव करने वाले हैं। जब मैं डायमेंशन पढ़ाऊंगा तो सबको मैं डिराइव करूंगा किस तरीके से। और भी अगर एग्जाम्पल देखना है तो देखो, और भी अगर एग्जाम्पल आपको देखना है तो देखो, ये बताओ प्रेशर होता क्या है, प्रेशर डेंसिटी छोड़ो ना यार, डेंसिटी ले लो, बिकॉज मैं अभी सिंपल सिंपल ले रहा हूँ इसलिए ताकि तुम्हें अभी दिक्कत ना हो। डेंसिटी इक्वल टू कितना होगा, मास बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम मास को हम लोग किसमें लिखते हैं यहाँ पे केजी, और वॉल्यूम को किसमें लिखते हैं हम लोग मीटर क्यूब। ये बताओ क्या किसी का ऐसा यूनिट निकालना आसान है या बहुत ज्यादा टफ है? बहुत आसान है, बस आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। क्या मुझे पता है क्या वॉल्यूम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मीटर क्यूब, मीटर क्यूब लिखते हैं हम लोग। अब बोलोगे यार आप एल एन तो बी एन टू एच के नहीं लिए, लेंथ मीटर, ब्रेथ मीटर, हाइट मीटर, सब मीटर होने वाला है तो वॉल्यूम। इसीलिए तुम ऐसा यूनिट क्या लिखते थे, मीटर क्यूब। याद करो एरिया को मीटर स्क्वायर, इससे बना हुआ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और ये कितना होगा, मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन क्या होगा, वेलोसिटी बाय टाइम, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डेंसिटी कितना होने वाला है, केजी पर मीटर क्यूब। इस तरीके से हम लोग डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग ऑब्टेन करते हैं। जो तीसरा है हमारे पास उसको बोलेंगे सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज जिसके पास डायमेंशंस होते हैं और यूनिट लेस होता है। ये मीन्स ऐसी क्वांटिटीज जैसे हमारे पास द क्वांटिटीज अब क्या होता है, डायमेंशंस मैं बताऊंगा, द क्वांटिटीज विच हैव ए डायमेंशंस। मैं बोल रहा हूं हर एक आपको जो टर्म है, हर एक टर्म्स आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से मैं मीन्स पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं। द क्वांटिटीज विच हैव डायमेंशंस बट हैज नो यूनिट, द क्वांटिटीज विच हैव ए यूनिट बट ए डायमेंशनलेस क्वांटिटीज। इसका मतलब ऐसी क्वांटिटीज जिसके पास सिर्फ क्या होगा, यहाँ पे यूनिट होने वाला है और डायमेंशनलेस क्वांटिटीज है। इसका मतलब देखो यहाँ पे दो सप्लीमेंट्री यूनिट होती है हमारे पास, दो सप्लीमेंट्री यूनिट होगी।
पहली जो सप्लीमेंट्री यूनिट होने वाली है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, एंगल। और हम लोग समटाइम्स इसको बोलते हैं यहाँ पे प्लेन एंगल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? प्लेन एंगल भी बोलते हैं, याद है ना एंगल। सेकेंड है हमारे पास सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल बोलते हैं हम लोग। सॉलिड एंगल क्या होता है वन बाई वन समझो। प्लेन एंगल को हम लोग क्या होगा कि ये एंगल जो बनेगा वो प्लेन में बनता है। जैसे हमारे पास एंगल क्या होता है, हमेशा दो लाइन के बीच में बनता है। मैं बोला एक लाइन ऐसे है, दूसरी लाइन कुछ ऐसे है। ये बताओ मैं जो एंगल बना रहा हूँ वो प्लेन में है कि प्लेन से बाहर है? ये बताओ, ये जो एंगल है वो प्लेन में ही है, मतलब इसी प्लेन में है, इसी प्लेन में। ये क्या हुआ, प्लेन में एंगल हुआ, इसको मैं क्या बोलने वाला हूँ, ठीक है। इसीलिए मैं इस एंगल को क्या बोलते हैं हम लोग, प्लेन एंगल। और आई थिंक सो टेंथ में आप लोग तो एंगल के बारे में बहुत अच्छे से पढ़े ही होंगे। तो ये एंगल हुआ प्लेन एंगल। तो इसका मतलब दो लाइन के बीच में हमारे पास एंगल बना और ये हुआ हमारे पास थीटा। थीटा का जो एसआई यूनिट होता है, थीटा का जो एसआई यूनिट होता है उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, एसआई यूनिट होगा उसको। देखो यहाँ पे मीन्स यूनिट होना तो होने वाली है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, रेडियन। क्या बोलते हैं हम लोग, रेडियन। अब बोलोगे क्यों नहीं, डिग्री नहीं हो सकता क्या? ये बताओ क्या लेंथ का एसआई यूनिट क्या सेंटीमीटर नहीं हो सकता क्या? क्या फिट नहीं हो सकता क्या? क्या इंच नहीं हो सकता क्या? हो सकता है, बट एक स्टैंडर्ड माना गया। वो स्टैंडर्ड है कि हमारे पास जैसे लेंथ को मीटर में नापेंगे, मास को ग्राम में नहीं नापेंगे, मास को केजी में नापने वाले हैं। ऐसा यूनिट को किसमें नापने वाले हैं, रेडियन। और रेडियन को हम लोग सिंबल है कि हमारे पास रेडियन को किसमें नापते हैं, आर ए डी लिखते हैं हम लोग। सिंबल हमारे पास क्या है इसका, इसका जो सिंबल होने वाला है इसको हम लोग बोलते हैं आर ए डी, रेडियन। अब बोलोगे ये रेडियन किसके किसके बराबर होता होगा? ये रेडियन डिग्री, और डिग्री और रेडियन के बीच का थोड़ा सा आप रिलेशन बता दो। मैं बोला कि 360 डिग्री को मैं क्या बोलने वाला हूँ, 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। इसको मैं क्या बोलूंगा, 2 पाई रेडियन होने वाला है। या आप बोल सकते हो क्या 180 डिग्री इज इक्वल टू कितना होने वाला है, पाई रेडियन होगा। पाई रेडियन के बराबर होता है कि नहीं, 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर होगा, 90 डिग्री पाई बाई 2 के बराबर होगा, 60 डिग्री पाई बाई 3 के बराबर होने वाला है। यह पढ़ चुके हो क्लास 10 में, और आप जो पढ़ी नहीं हो उसको मैं क्या बोलने वाला हूँ, सॉलिड एंगल। क्या होने वाला है, सॉलिड एंगल बोलने वाले हैं हम लोग। सॉलिड एंगल थ्री डायमेंशनल एंगल होगा। जैसे आप गए कोन खाने, आप गए कोन खाने तो ऊपर से देखो, अरे यार ऊपर से देखोगे तो तुम्हें कुछ ऐसा दिखने वाला है। ये हमारे पास सॉलिड, सपोज करो ये हमारे पास है, बहुत ध्यान से समझियो। सॉलिड एंगल का मतलब हो गया ये ऊपर से कोन इस टाइप का होने वाला है। ये हमारे पास सॉलिड एंगल है, ये मान लो एक कोन है हमारे पास, और ये, और मैं बोला कि यहां पर इसको कुछ इस तरीके से तुम बना रहे हो, इस तरीके से। मैं बोलने वाला हूं क्या कि जितने भी पेरिफेरी के पॉइंट्स इस वर्टाइसेस पे एंगल बना रहे होंगे, जितने भी पेरिफेरी, सपोज करो ये वाला यहां पर, ये वाला पॉइंट यहां पर, और ये इसके पीछे है। मैं बोला कि ये वाली चीज यहां पर और ये वाली चीज हमारे पास यहाँ पर, इसका मतलब सारे के सारे एक एंगल बना रहे होंगे कुछ ऐसा करके। देखो कुछ ऐसा करके ये एंगल बना रहे होंगे। और आप लोग कभी खाए होंगे मार्केट में तो मैं बोल सकता हूँ क्या, तो आप समझो, आप फील करो, मंजा बाबा बंजा। देखो ये हमारे पास, मान लो इसमें कुछ खा रहा हूं मैं, तो सपोज करो ये वाला, देखो ये वाला पोर्शन जो अंदर वाला पोर्शन दिख रहा है ना, जो अंदर वाला पोर्शन वहां पे देख रहे हो थ्री डायमेंशनल कुछ ऐसा करके कुछ ऐसा दिख रहा है, वह क्या होने वाला है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, सॉलिड एंगल बोलते हैं हम लोग। इसी को क्या बोलते हैं यहाँ पे, सॉलिड एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, दिस इज नोन एज सॉलिड एंगल। बोलो कि इन दोनों में क्या फर्क है, इन दोनों में क्या फर्क है आखिर? सॉलिड एंगल थ्री डायमेंशनल एंगल होता है। सॉलिड एंगल इज ए थ्री डायमेंशनल एंगल होगा, ये थ्री डायमेंशनल है, और ये प्लेन पे है इसलिए क्या होने वाला है, टू डायमेंशनल एंगल। उसीलिए आसान हो जाता है प्लेन एंगल को पढ़ना एज कम्पेयर टू सॉलिड एंगल। मीन्स प्लेन एंगल को पढ़ना आसान है एज कम्पेयर टू सॉलिड एंगल, बिकॉज प्लेन एंगल एक प्लेन पे होता है, सॉलिड एंगल का एंगल तुम्हारे पास थ्री डायमेंशनल होता है, उसीलिए क्या होगा सॉलिड एंगल। और सपोज करो, और सपोज करो मैं बोला कि सपोज ये डिस्टेंस आर है और ये एरिया जो है बहुत ही छोटा एरिया है, क्या होने वाला है, सपोज करो एरिया मान लो, तो मैं बोला इसको स्टेरेडियन में नापते हम लोग, किसमें नापते हम लोग, स्टेरेडियन में नापते हैं। और स्टेरेडियन होता क्या है, इसको सिंपल है हमारे पास ओम, ओम से हम लोग नापते हैं स्टेरेडियन। इसका जो
एसआई यूनिट होने वाला है वह क्या होने वाला है, स्टेरेडियन। और स्टेरेडियन को हम लोग ऐसे लिखते हैं क्या, एरिया बाई, ये जो एरिया है एरिया बाई आर स्क्वायर, ये क्या होने वाला है एरिया बाई आर स्क्वायर। और जो ये एरिया होगा, ये जो प्लेन सरफेस होगा, इस आर के क्या होने वाला है परपेंडिकुलर। बोलोगे आर क्या हर जगह सेम होने वाला है क्या, हाँ एरिया बहुत छोटा लेते हैं समटाइम्स, ऐसे भी हम लोग लिखते हैं क्या, टू ए बाई आर स्क्वायर। ये हुआ तीनों फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में, और आप पढ़ते रहो। इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है वह आने वाला है डायमेंशंस पे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।